हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नमिता शर्मा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न सिर्फ वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर रही हैं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि कृति सेनन ने अपने लिए एक बहुत महंगी और लग्जरियस कार खरीदी है और ये ऐसी गाड़ी है जो पूरे बॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस के पास नहीं है। तो कृति सेनन ऐसा करने वाली बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री बन गई है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, मिमी की सक्सेस को वो एंजॉय कर रही है। सरोगेट मदर का किरदार मिमी ने इस फिल्म में निभाया है और इसके बाद वरुण धवन के साथ अपकमिंग फिल्म भेड़िए की शूटिंग उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और उसके बाद से ही ये खबर सामने आई है कि कृति सेनन ने एक नई मर्सिडीज गाड़ी खरीदी है। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये मर्सिडीज बेंच मेबैक GLS 600 है जिसकी वो मालकिन बन गई है और इसकी कीमत भी आपको बता देते हैं, 2,43,00,000 के आसपास की इसकी कीमत बताई जा रही है। सबसे खास बात यह है कि कृति ने इसे ब्लैक कलर में खरीदा है और इससे यही पता चल रहा है कि कृति को ब्लैक कलर कितना पसंद है। और आप इमेजिन कर सकते हैं, एक बहुत लग्जरियस गाड़ी मर्सिडीज कंपनी की और ब्लैक कलर में, तमाम उसमें सुविधाएं हैं और बहुत कम उम्र में ये गाड़ी कृति सेनन ने खरीदी है। निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे फैंस देख रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी पूरे बॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस के पास है ही नहीं। तो अपने गैरेज की शान बढ़ाई है कृति सेनन ने। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये पावरफुल 4.0 लीटर V8 बिटुर्बो के साथ EQ बूस्ट इंजन से लेस है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो कृति सेनन ने खुद को दिया है अपनी कमाई से। और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें पिंक टॉप में और ब्लू जीन्स में कृति सेनन गाड़ी के सामने पोज देती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि दिनेश विजान के ऑफिस के बाहर कृति सेनन हाल ही में इसी गाड़ी से स्पॉट हुई थी, जिसके बाद पता लगाया गया तो खबर ये मिली कि कृति सेनन ने इस गाड़ी को खरीद लिया है। खैर, तस्वीरें आप देखिए जो गाड़ी कृति सेनन ने खरीदी है और बताइए गाड़ी भी आपको कैसी लगी और इस खबर पर भी आपका क्या कहना है।